मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अच्छा नहीं है इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ बिकॉज कल्चर इज नॉट अ अ वॉल रूम एक्टिविटी आई वॉन्ट यू टू रिपीट दिस आई मीन दिस इज सो पावरफुल सो पावरफुल बिकॉज I strongly want you know uh, to highlight this particular talk, which we are talking about, because people don't understand what they assume from the culture is HR is responsible for culture, <laughs> and uh, I, I really uh, appreciate. I thinking. very strongly believe that every individual, from my entry-level staff to my supreme staff, mm -hmm. we all are equally responsible for designing.

That the is wrong. बड़ी हम लोग सुनते हैं दीवारें टॉक्सिक नहीं होती सिस्टम टॉक्सिक नहीं होता टेबल टॉक्सिक नहीं होती है टी कॉफी टॉक्सिक नहीं होती है टॉक्सिक कौन होते हैं और वो टॉक्सिक पीपल कब होते हैं जब हम अपने काम से प्यार करना छोड़कर अपनी प्रायोरिटीज को रीअरेंज कर लेते हैं कुछ अलग तरीके से जब मुझे इस बात में ज्यादा रुचि आती है ज्यादा रस आता है कि कौन मुझसे कम अच्छा कर रहा है और कौन मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहा है hmm. बजाय ये समझने की मैं क्या कर रहा हूं अलॉट ऑफ टाइम वी डोंट रिमेंबर हम हर बार ये याद रखते हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन से कितना ले रहा हूं hmm. हम ऑर्गेनाइजेशन को कितना दे रहे हैं ये हम कितने इंप्लॉयज ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन को कितना दे रहे हैं वेरी वेरी कॉमन सिंग इतने में तो इतना ही करेंगे <laughs> बट डू यू रियली अंडरस्टेंड दर्गेस्ट इन यू हम ऑर्गेनाइजेशन से मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या डिलीवर कर रहा हूं क्या दे रहा हूं लाइक like, हम पहले बीज डालते हैं तब फसल होती है हम पहले ये कैलकुलेट करने बैठते हैं कि फसल कितनी होगी उस हिसाब से हम बीज डालेंगे

Uh, I recently have gone through one article where uh, IITian uh, and I'm a student uh, jumped from you know the ninth floor and they said just because of the work pressure so ye work pressure and isme maybe uh, what is your view like this also just because of the company culture which comes in the picture or uh, these what is I mean it's it's really shocking for me and you know for the entire world I mean of work pressure आई एम आई ऑलवेज बिलीव दैट ह्यूमन साइकी बिहेव्स इन अ डिफरेंट वे इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट देर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टीचर्स वी हैव इन आवर लाइफ वी ऑल नो दैट द मदर इज द फर्स्ट टीचर टू एवरी इंडिविजुअल द टीचर इज द सेकेंड टीचर टू एवरी इंडिविजुअल थर्ड एंड अ वेरी वेरी पावरफुल टीचर इज द इनवायरमेंट मैं किस तरह के माहौल में हूँ वो माहौल मुझे एक्टिवली या पैसिवली बहुत कुछ सिखा रहा है बहुत सारी लर्निंग बहुत सारी ट्रेनिंग बहुत सारा डेवलपमेंट मेरा मेंटल इमोशनल उस एनवायरनमेंट से हो रहा है आई ऑलवेज बिलीव जैसे हम अपना लाइफ पार्टनर चुनने के पहले बहुत प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाते हैं हमको अपना एम्प्लॉयर चुनने के पहले भी बहुत प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू जाना चाहिए हम दो चीजों पे जनरली फोकस करते हैं डेजिग्नेशन क्या है पैकेज क्या है अगर ये दो चीजें मेरे टू दैट शुड नॉट व्हाई जैसे आप अपना पार्टनर चुनते हो और एक सही पार्टनर वो कहते जब दो वायर सही कनेक्ट हो जाते हैं तो जीवन में लाइट हो जाती है right. और गलत हो जाते हैं तो फिर टाइम टाइम पे शॉक लगते रहते धमाके होते, <laughs> होते रहते हैं so, उसी से आपने अपना सही चुन लिया है, तो वो धमाके नहीं होते फिर वो दोनों पर होती है और जब वो सही कनेक्शन नहीं फिट होता है तो फिर अभी आपने जिस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स की बात की ऐसे इंसिडेंसेस बहुत सारे होते हैं आज हम देखते हैं बहुत सारे वेरी कॉमन टर्म अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक मेंटल हेल्थ मंथ

उनको इतना समझ नहीं होता है एज अ आई मीन इंजीनियर इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट और मे बी आई एम बी ए पास आउट स्टूडेंट दे डोंट नो उनको सिर्फ ये चाहिए होता मेरा प्लेसमेंट हो जाए बस आई मीन दे जस्ट आ दे जस्ट वॉन्ट टू गेट प्लेसड इन अ गुड कंपनी वो इतना दिमाग ही नहीं लगा सकती कि मैं कुंडली मैच करूँगा <laughs> के साथ अपना एक एक स्टेप मैच करूंगा वेदर इट्स गुड कंपनी और नॉट गुड कंपनी They look for the package, as you said, right? So, what all are the steps which any or every individual should look into Or when you know they're getting offer from some company or applying for the company? See I have been a campus ambassador for my couple of organizations. Every organization not just my organizations but otherwise also we have a pre-placement talk. Achoo. Every campus you go to you deliver a pre-placement talk where the HR is trying to sell mm -hmm. this is what I am, this is what my organization is, this is how the job role would look like. एंड ऑन दैट पर्टिकुलर बेसिस यू आर मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट अगेन अब आप उस स्टॉक में किन एरियाज पे अंडरलाइन कर रहे हो दैट्स योर इंडिविजुअल लिमिटेशन आप ये देख रहे हो कि कंपनी का पोर्टफोलियो कैसा है उसका नेटवर्थ क्या है उसका एनुअल प्रॉफिट क्या है ऑन दैट बेसिस यू आर डिसाइडिंग

और उस कारण से हम लोग उस चौराहे पे खड़े होते हैं जिधर की हवा बहती है हम उधर बह जाते हैं अगर मेरा डायरेक्शन क्लियर है मेरा डेस्टिनेशन मेरे दिमाग में फिट है आई एल नॉट जस्ट गो विद्लो

so what you you suggest like as you said most of the सो वटेस्ट मोस्ट ऑफ दो दे चौहरा पर खड़े हैं so उसके लिए uh, क्या करना चाहिए कैसे पता करना चाहिए अवेयरनेस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट अवेयरनेस इन अ वे हम अपने आप को कितना एजुकेट करते हैं एजुकेशन डज नॉट मीन बी एम बी ए बी बी एम बी ए बी कॉम एम बी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एजुकेशन दैट इज अगेन एज ए सेट दैट जस्ट द पासपोर्ट which allows you to travel wherever you want, but alongside you need to decide मुझे beaches explore करने मुझे mountain explore करने है मुझे desert explore करने है आपके पास वो decision ही नहीं है अभी passport लेकर हम खड़े हैं एक बड़ा बड़ एक अच्छा example अगेन दिमाग में आता है कि हम बहुत बड़ी गए हैं पे पर platform पे जाके हम कह रहे हैं हमको ticket दे दीजिए वो आपको पूछ रहे हैं आपको कहाँ का ticket चाहिए नहीं मुझे कहीं जाना है आप ticket दे दीजिए मुझे job करनी है आप job दे दीजिए आपके पास में पांच ओपनिंग्स हैं आप मुझसे पूछ रहे हो कि जेंटलमैन वेर यू वॉन्ट टू गो इन विच सेक्टर इन विच डोमेन मैम नहीं मुझे तो बस पैसा नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम वॉट्स योर एम सर हम पैसा कमाना चाहते हैं एंड सिर्फ पैसा कमाना एम है तो फिर आपके पास एम नहीं है